अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, पुलिस शॉप्स इन्फो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जेल पुलिस का इंटरव्यू का शेड्यूल आ चुका है। मुकम्मल तफसीलात इंटरव्यू के बारे में आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली मरतबा आ गए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी से कर लें, क्योंकि पुलिस भर्तियों से मुतल तमाम मालूम सबसे पहले आपके साथ इस चैनल पर शेयर कर दी जाती है। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि जेल पुलिस का जो इंटरव्यू है आपका, वो 1 सितंबर तक जो शेड्यूल है इंटरव्यू का वो आ जाएगा। और आज जो है ये नोटिफिकेशन जो है वो इंटरव्यू के बारे में आ चुका है। किस रीजन का इंटरव्यू किस डेट को है, मुकम्मल तफसीलात इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने लगे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आपने जो है वीडियो नहीं देखी तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जी तो डियर व्यूअर्स, अगर शेड्यूल को देखें तो नंबर 1 पर लाहौर रीजन को देखते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि जो लाहौर रीजन में पोस्ट है वो 624 है। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं यानी कि जिन लोगों ने जितने कैंडिडेट ने टेस्ट रिटन टेस्ट में अपीयर जितने कैंडिडेट हुए थे उनकी तादाद वो 3673 है। इसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाते हैं यानी कि नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स जिन्होंने रिटन टेस्ट को पास किया है, ठीक है ना। 2067 कैंडिडेट ने रिटन टेस्ट को पास किया है। और इंटरव्यूज का अगर लाहौर रीजन का अगर हम शेड्यूल देखें तो ये आपका 9 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक आपके जो इंटरव्यूज हैं वो जारी रहेंगे, ठीक है। आगे ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम डिपार्टमेंट यानी कि ये कोई अफसरान वगैरह होंगे जो कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। और नंबर 2 पर अगर देखें तो साहिवाल रीजन है जी, नंबर ऑफ पोस्ट 402 है और 2783 कैंडिडेट ने जो है रिटन टेस्ट में रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया था। और जो नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ट हुए हैं वो हैं 1748 कैंडिडेट जो हैं उन्होंने रिटन टेस्ट को किया है पास। और इंटरव्यूज का जो शेड्यूल है वो है 4 सितंबर से 8 सितंबर, ठीक है। और सामने क्या लिखा है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम डिपार्टमेंट, तो ये भी मिस्टर अदील हैदर डी प्रिजन हैं। आगे है जी रावलपिंडी रीजन, नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड और जो पास हुए आगे आपके सामने 352। इंटरव्यूज का शेड्यूल देख लें जी, 4 सितंबर से 5 सितंबर इनका जो है इंटरव्यू होगा, ठीक है। आगे आ जाता है जी फैसलाबाद रीजन, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 140 है और आपके सामने नंबर ऑफ कैंडिडेट पास्ट कैंडिडेट भी आपके सामने 1202। इंटरव्यू जो है वो 7 सितंबर से 11 यानी कि 11 सितंबर तक होगा, ठीक है। आगे आ जाता है जी सरगोधा रीजन, नंबर ऑफ पोस्ट आपके सामने 329 और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो हैं 4754, ठीक है ना, जिन्होंने टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया था। पास्ट कैंडिडेट आपके सामने 2393। इंटरव्यू जो है वो 4 सितंबर से 11 सितंबर तक होगा जी इनका भी। और अगर बात करें हम मुल्तान रीजन की तो इनका इंटरव्यू जो है वो 4 सितंबर से 6 सितंबर इनका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और 8 सितंबर भी आगे लिखा हुआ है, ये पता नहीं क्यों ऐसा एक दिन का बीच में गैप ही है, ठीक है। 7 सितंबर का लास्ट में क्या है जी, लाहौर लास्ट में है जी डीजी खान रीजन। जी तो डियर व्यूअर्स, ये था आपका शेड्यूल जो कि हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। अब बात करते हैं आपके मेरिट की, मेरिट का अगर हम अंदाज़ा लगाएं आपके सीट्स और कैंडिडेट के हिसाब से तो कुछ आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि अगर लाहौर की अगर हम बात करें तो 624 सीट्स हैं और जो है पास्ट कैंडिडेट जिनका इंटरव्यू होगा वो 2067 हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें इतना ज़्यादा मेरिट जो है वो नहीं होगा, ठीक है ना। मेरिट अगर किसी कैंडिडेट के जो है ना 40+ मार्क्स हैं तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। और इंटरव्यू अगर आपका अच्छा होता है, मैट्रिक में आपके अच्छे नंबर हैं तो आपके चांसेस हैं, ठीक है ना। 624 सीट्स बहुत ज़्यादा सीट्स हैं और 2000 कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट वो भी होंगे जिनके सी ग्रेड होंगे यानी कि बी डी ग्रेड वाले होंगे कुछ इनमें, तो तकरीबन यानी कि 1000-1500 ही बचने हैं। मुश्किल हो जाता है लाहौर यानी कि जो भर्ती होते हैं ना 616 सीट्स बहुत ज़्यादा सीट्स हैं और कुछ कैंडिडेट होते हैं जो मतलब ना ज्वाइनिंग नहीं देते, ठीक है ना, ऐसा होता है। और साहिवाल रीजन में भी जो है, साहिवाल रीजन में कुछ हो सकता है थोड़ा सा मेरिट लाहौर के मुकाबले में ज़्यादा हो क्योंकि सीट्स कम है, ठीक है, लाहौर में सीट्स ज़्यादा हैं। रावलपिंडी में अगर हम देखें, रावलपिंडी में देख लें आप, रावलपिंडी में तो मेरिट बुल सिर्फ 352 जो है उन्होंने पास किया, ठीक है ना, सीट्स 268 हैं, ठीक है ना। तो ये तो सिलेक्ट हैं, इनमें से कुछ होंगे जो 100-150 उनको निकाल देंगे, बाकी सब सिलेक्ट हैं, मतलब कि मेरिट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। फैसलाबाद रीजन में मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि सीट्स जो हैं वो सिर्फ 140 हैं। सरगोधा रीजन की अगर बात करें तो सरगोधा रीजन का मेरिट भी साहिवाल के बराबर ही होगा,
आगे है भावलपुर रीजन, इसका मेरिट थोड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि सीट्स कम है। मुल्तान रीजन में भी मेरिट कम होगा क्योंकि इसमें जो है वो 1200 यानी कि 69 कैंडिडेट हैं जिन्होंने जो है वो पास किया पेपर, ठीक है। आगे डीजी खान रीजन आ जाता है जी, इसका अगर हम देखें तो इसका भी मेरिट जो है वो मुल्तान रीजन के इक्वली होगा तकरीबन। बेस्ट ऑफ लक डियर कैंडिडेट्स, और कंग्रेचुलेशन, एडवांस कंग्रेचुलेशन उन कैंडिडेट को जिनके अच्छे मार्क्स हैं, 60+ मार्क्स हैं और मैट्रिक में ए ग्रेड है या ए प्लस ग्रेड है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उनके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लेना और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।